हेलो दोस्तों, वेलकम बैक जेटेक अपडेट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्प्लेंडर प्लस Bs6 के बारे में। दोस्तों आप लाइव बिल्कुल वीडियो देख रहे हैं जो है स्प्लेंडर प्लस बाइक की। दोस्तों Bs6 जो है लॉन्च किया है कंपनी ने, और Bs4 को दोस्तों जो है अब कंपनी ने जितनी थी उसको जो है ऑफ़र देकर और बिना ऑफ़र के ही ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको Bs6 बाइक मिलेगी। और दोस्तों हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फीचर्स भी बताएंगे कि जो आप Bs4 बाइक जो चला रहे हैं या फिर जो लेने की चाहत भी रख रहे हैं वो Bs6 ही खरीदेंगे। 100% गारंटी है। इस वीडियो को पूरी अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ Bs6 बाइक ही खरीदेंगे, वादा है ये। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि Bs4 और Bs6 में क्या डिफरेंट है प्राइस के भी और बाइक में। तो दोस्तों सबसे पहला डिफरेंट आपको हम बताएंगे इंजन के बारे में। इंजन दोस्तों आपको यहाँ पर FI यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा आपको, जो है यहाँ पर आप देख सकते हो जो कार्बोरेटर लगा हुआ होता था। कार्बोरेटर में जब आप जो है पेट्रोल ज़्यादा होता था तब आपको मेन में करना पड़ता था, कम होता था तो रिजर्व में करना पड़ता था। उसके बाद जब आप कहीं मकैनिक को लोकल मकैनिक में दिखाते थे तो आपके जो कार्बोरेटर था उसमें वो छेड़छाड़ कर देता था, जिससे आपका माइलेज और बाइक चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। ठीक, Bs4 की ये वीकनेस थी। अब यहाँ Bs6 में आपको जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, वो सिस्टम में आपका जो पेट्रोल है दोस्तों वो आपका इंजन कितना चाहता है और कितना इसको ज़रूरत है उस हिसाब से आपका फ्यूल इंजेक्शन इसको देता है, जिससे आपकी बाइक माइलेज भी बढ़िया देगी और उसके बाद चलेगी भी बढ़िया, आपका पिकअप भी बढ़िया बनाएगी, रेस भी अच्छी बनाएगी। तो यह Bs6 की दोस्तों सबसे बड़ी जो है खासियत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और Bs4 में जो कार्बोरेटर था वो सबसे बड़ी उसकी वीकनेस थी। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ कोई नहीं कर पाएगा, चाहे आप जहाँ बाइक खड़ी कर दें। और वहाँ पर टी में जो है कुछ लोग जो वहाँ पर जो पेट्रोल पाइप लगी होती है दोस्तों, वो आप अगर बाइक कहीं खड़ी कर देते तब उसका जो है पेट्रोल कोई ना कोई निकाल भी सकता था, उसमें ये भी आपको जो है प्रॉब्लम थी। लेकिन Bs6 में दोस्तों आप अगर बाइक खड़ी कर दें तो कोई एक बूंद पेट्रोल आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये 100% गारंटी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं इंजन आयल टेम्परेचर है, जो कि अगर आपका इंजन ज़्यादा हीट होता है तो ECU को जो है ये जो है कमांड करता है, यानी कि उसको जो है सिग्नल भेजता है कि ये इंजन में जो है ये प्रॉब्लम है या ये हीटिंग है या कि इंजन आयल जो है ज़्यादा हीट कर रहा है। तब ये जो सिग्नल होता है ECU ये आपको देता है यहाँ पर सिग्नल, यानी कि यहाँ से आपको पता लगेगा कि मेरी बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या कि फिर आपने अगर कहीं छेड़छाड़ करवाया है अपनी बाइक में लोकल मकैनिक के साथ अगर सेटिंग करवाया है, तब यहाँ पर आपकी ये लाइट जलने लगेगी और समझ जाइए कि आपकी बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये Bs6 की दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है। ये साइड स्टैंड तो आपको Bs4 में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये बाइक जो है इंजन आपका जो है 100 CC की आपकी ये बाइक है दोस्तों, जिसमें माइलेज आपका 60 से 65 किलोमीटर का आपको माइलेज भी देगा। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट और जानकारी दे दूँ कि जो है यहाँ पर साइलेंसर में इतने सारे इसमें जो है टेक्निकली चीज़ें लगा दी गई हैं कि जिसमें आपको माइलेज बढ़िया मिलेगा। जो इसका प्रदूषण होता था वो आपको जो एयर पोल्यूशन होता था वो यहाँ पर कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है इसको पानी में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है आपका जो प्रदूषण है वो बहुत ही कम कर देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सेंसर आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे सेंसर लगे हैं, वो सेंसर्स और सिर्फ लगे हैं इंजन की परफॉर्मेंस को सिर्फ बढ़ाना, यानी कि इंजन को सबसे सॉलिड करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ गए Bs4 वर्सेस Bs6, यानी कि Bs6 अच्छी है या Bs4, अब आपके मन में कोई सवाल है तब आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ आपको एक्सटर्नली जानकारी बाहरी दूँ, यहाँ पर इसका लोगो जो आपको इस तरीके से मिल रहा है वो आपको Bs6 में नहीं मिलेगा, Bs4 पे यहाँ पर प्योर हीरो मिलेगा, ये चीज़ें ऐसा नहीं रहे, ये आपको डिफरेंट मिलेगा। उसके बाद टैंक का डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन वही है, बस लोगो आपको चेंज मिलेगा। उसके बाद फ्रंट पर जो लोगो है दोस्तों वो सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर ये तरीके से आप जान सकते हो कि ये Bs6 बाइक है, जो इसका कटिंग लोगो आपको मिलेगा।